भाई, इस मामले पे जो आप देख रहे हैं फिलहाल यहाँ पे लगभग 8 बजे से हो रहा है ये प्रोटेस्ट जारी है, और वहीं ओखला के अंदर ये हुआ और सीएपी के मामले को लेकर आज यहाँ पे हालात हो चुके। क्या कहना चाहेंगे देश के लोगों से, क्या स्टैंड है आपका? नहीं, जो कुछ भी देश के अंदर इस वक्त हो रहा है सब भारतीय जनता पार्टी की देन है। ये तो पूरा जो सोते हुए को जगाया गया है, और किसी भी तरह से इस मुल्क के अंदर जो अमन और भाईचारा था उसको ख़त्म करने के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी ने एक चिंगारी लगा दी है, और जिसका जीता जागता सबूत जो है अभी ओखले में मिला है, जामिया में जिस तरह से बसों के अंदर आग लगाई, किसने लगाई पहले तो ये पता लगाया जाए। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में क्या जामिया के लड़के जा सकते हैं, ओखला के लोग जा सकते हैं, किसने लगाई है वो उसका पता लगाना चाहिए। हालात जो है देखिए पूरे देश के अंदर टेंस में है, पूरे देश के अंदर हर सेकुलर ताजुब इस बात का है कि जहाँ मुसलमान इतने हैं वहाँ पे हिंदू भाई भी हमारे इसके साथ हैं, तो इसकी पूरी जिम्मेवारी आज भारतीय जनता पार्टी पर पूरी आ गई है। और इसने पूरे जो अमन और चैन से हम लोग आपस में दे रहे थे और उस मुल्क के अमन चैन को ख़राब करने का काम अगर किसी ने किया है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। क्या आप ये मानते हैं कि देश के अंदर जो तालीमी इदारे हैं उन्हें निशाना बनाने की कई मंशा ऐसी है कि आगे आने वाले वक्त के अंदर ये अनपढ़ रह जाएं और अपने हक की आवाज़ ना उठा सकें? देखिए ये आज की नहीं है, ये भाजपा और आरएसएस का ये छुपा हुआ एक एजेंडा है जी, जो आज से नहीं हमेशा से हमारे तालीमी इदारे जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं उनको सब ये जो है बर्बाद करने की तरफ तुले हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये आज की बात है, ये बहुत पुरानी बात है, और इन्होंने बहुत कोशिश भी की, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कुछ इसमें नहीं हुआ है, और जितने ये दबाने की हमको कोशिश करेंगे इंशाल्लाह हम लोग उतने उभर के आएंगे। ये इंसाफ जाए अपना इंसाफ लड़ने के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। कल हमारे सलमान खुर्शीद साहब जो है कल इसके अंदर जो है अपना यहाँ अपना सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसको फाइल कर रहे हैं, और इंशाल्लाह आखिर तक कानून जहाँ तक हमको मदद करेगा हम लोग वहाँ तक जो है कानून की लड़ाई लड़ेंगे और सबको जो है न्याय इंसाफ दिलाने का काम करेंगे। भाई आखिरी सवाल जी, जैसे मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, देश के अंदर जो माइनॉरिटी तबका है अगली बार ये किसको टारगेट करने की तैयारी में है? अगली बार का तो हमें कुछ नहीं पता किसको करें, लेकिन ये ज़रूर है कि इन्होंने बांग्लादेश को जिस तरह से करा है वहाँ आसाम अपने आप में झुलस रहा है। हमारी तरफ तो अभी तो हमारे निकलने की बात तो अभी तो शुरू भी नहीं हुई है, लेकिन आप ये देखिए कि आसाम को किसने करा, आसाम हम लोग कर रहे हैं या हम लोग हमारा हम लोगों का तो नहीं है, वो तो आसाम के लोगों का कि बांग्लादेश से जो है अपना करोड़ों जो हिंदू है कई करोड़ वो हिंदू जो है आसाम के अंदर आ जाएगा, उनको तकलीफ परेशानियाँ होंगी। अभी तो पहले आसाम से निमट लें उसके बाद हमारी तरफ देखें। देश के नौजवानों से क्या कहना चाहते हैं जो इस वक्त आपको सुनते हैं, सुनने वाले लोग? हम तो यही कहते हैं, सीधी अपील है कि अपनी शांतिपूर्वक तरीके से जैसे गांधी जी ने करा और हमारे देश के महान नेताओं का करा है, जो अपना सब अपना जो प्रजातंत्र के अंदर हम लोग करते हैं कि डेमोन्स्ट्रेशन प्रदर्शन समझा अहिंसा का जो हम लोग अपना काम करते हैं वही हम लोग करेंगे, और आज भी करा गया है और प्रदर्शन करें हमारा राइट है, हक है, और हम लोग कर सकते हैं इसको। जी शुक्रिया माइनॉरिटी न्यूज़ से बात करने के लिए।